माता प्रकट हो, तुम्हें प्रकट होना ही पड़ेगा माता। भक्त की शक्ति को न ललकारो माता, भक्त की शक्ति भगवान की शक्ति होती है। माता मैं तुम्हें प्रकट होने के लिए विवश कर दूंगा, मैं तुम्हारे चरण में ओम की बलि चढ़ा दूंगा। तुम्हें प्रकट होना ही पड़ेगा माता, प्रकट होना ही पड़ेगा। तो अब तुम्हारे और तुम्हारे इस भक्त के बीच महायुद्ध होगा, ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि वो कन्या जन्म ले चुकी है और उसकी बलि के पश्चात तुम्हें प्रकट होना ही पड़ेगा। और जब तुम प्रकट हो जाओगी तब ये पूरा संसार मेरा होगा, मेरा, मेरी मुट्ठी में। ओम कन्या, तेरा नाम क्या है? पार्वती। कहाँ रहती है तू? एक गांव में। तो अब अग्नि से बाहर निकलकर माता के चरण स्पर्श कर। मैं जब भी पुकारूंगा यहां चली आओगी? आऊंगी। तो अब अपने गांव की ओर प्रस्थान कर। ओम ह्रीं क्लीं मे स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं मे स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं मे स्वाहा।
रामदेन, ये साले चारों को अंदर बंद करो, बाहर रहेंगे दारू पियेंगे दंगा करेंगे, चाल अंदर जा। थानेदार, ये तूने अच्छा नहीं किया। अरे अंदर जाएगा या डंडा खाएगा, चल चल चला। माजा नाव गोड़ बोले आए। रामदेन, मुझे तुम्हें रात की ड्यूटी के लिए बुलाने के लिए बहुत खराब लगता है भाई। अरे नहीं सरकार, मैंने कहा ना भागो यहाँ से। अच्छा साहब, आप कहते हैं तो जाता हूँ। जय हिंद साहब। अरे भाई माफ करना यार, काफी देर अंदर रखवाया हमने। आइए आइए। क्या हुआ? अरे गोड बोले साहब, तुम्हारे थाने में मच्छर ही मच्छर हैं। अरे डॉक्टर साहब, ये थोड़ी कोई आपका अस्पताल है जहाँ फिनेल मारेंगे। अरे यार क्या है? बैठिए, आइए घनश्याम दास जी, बैठिए। देखो अब मेरी बात आप चारों गौर से सुनो। यहाँ कस्बा मोरावा है, काली घाटी में काली माता का मंदिर, और आज वहां बड़ी जोरदार पूजा होने वाली है, लाखों का चढ़ावा चढ़ने वाला है। सिर्फ काली माता के गले का हार हम पांचों को 5-5 करोड़ का हिस्सा दे सकता है। 5-5 करोड़? जी हाँ, अगर वो एंटीक हार जल्दी में बेचा गया तब। भैया वो एंटीक हार अनमोल है। कहते हैं कि सम्राट चंद्रगुप्त ने खास काली माता के लिए ये हार बनवाया था। 25 करोड़ तो हार के दाम है दोस्तों, इतिहास का दाम जो लगे। घनश्याम जी, मगर आज के बाद काली माता का वो एंटीक हार और काली माता के गहने 1 साल के लिए बैंक के लॉकरों में बंद हो जाएंगे, और पूजा एंड होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है, और रास्ता काफी लंबा है। मेरा ख्याल है आप लोगों को जल्द से जल्द यहां से जाना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।
माता के सारे जेवरात उतार कर पेटी में बंद कर देना जी। मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह उठकर बैंक में जमा करा दूंगा। चाबी मुझे देती जाना बेटी। जी बाबा। जय माता। मैं चाबी नहीं दूंगी। नहीं, मेरा नाम घनश्याम है बच्ची, चाबी दे दे मुझे। हटो तो, पकड़ो सारी को। Ah!
दुर्दशा बना क्या, कैसे हो गया बेटी, बोलो तो। फोन कर, देखो तो। क्या हो गया बेटी? चार चार थे और मैं अकेली थी। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया दरोगा जी। अनर्थ नहीं झाला, हत्या झाली आहे। दफा 302 लगेगी फांसी। दरोगा जी, पार्वती कह रही थी कि वो चार लोग थे। उसने कहा तुमने मान लिया? अरे मुखिया, तुम तो बूढ़े आदमी हो। हे पोरगी मटली, चार थे और तुमने मान लिया। तो मेरे शरीर पर उनके ये हस्ताक्षर कैसे? ये देखो और ये देखो, देखो। ए छोकरी, बोल तेरे जोड़ीदार कहाँ गए? पुजारी का खून किया, काली माता के गहने पार किए और वो एंटीक हार भी गुल किया जिसे सम्राट चंद्रगुप्त ने खास काली माता के लिए बनवाया था, और कहती है वो चार लोग थे। अरे तो क्या ये नाखून और ये दांतों के निशान मैंने अपने शरीर पर खुद बनाए हैं? ए पोरगी, आवाज खाली। दरोगा जी, मैं पार्वती को बहुत दिनों से जानता हूँ, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। तो तुम इसे अच्छी तरह जानते हो? तुम में से कौन कौन है जो इस लड़की को अच्छी तरह जानता है? क्योंकि जो भी इस लड़की को अच्छी तरह जानता है, वो सारे के सारे इस खून में और इस चोरी में इस लड़की के साथ बराबर के हिस्सेदार हैं। तुम बोलो मुखिया, अरे गणपत, पहचानता है इसको? निमराव। तो तुम में से कोई भी इस लड़की को अच्छी तरह नहीं जानता। मैंने पुजारी बाबा की हत्या नहीं की, मैंने पुजारी बाबा को नहीं मारा। नहीं तो क्या, तेरे यार आए थे उनकी हत्या करने के लिए? सीधे से बता, काली माता के गहने कहाँ छुपा रखे हैं? इस थाने में बड़े बड़े मुजरिम बग देते हैं एक दिन के अंदर। इस एफआईआर पे दस्तखत करती कि नहीं? साइन कर, साइन कर। काहे दिखती का तू भाई, काहे साला?
मैं तो समझती थी कि तुम एक औरत हो और मेरे अपमान का दर्द तुम महसूस करोगी, मगर तुम अपने हाथों में ये त्रिशूल लिए अपनी एक बेटी का अपमान देखती रह गई। मैंने तुम्हें कितना पुकारा, कितनी आवाज दी मैंने तुम्हें, मगर तुमने ना मेरी आवाज सुनी और ना ही मेरे कपड़े फटने की। अरे इस देश में नारी जाति का ये पुराना भाग्य कब तक चलता रहेगा और तुम कब तक देखती रहोगी? क्या तुम विधाता से यह नहीं कहोगी कि हे ईश्वर, हिंदुस्तान की नारी जाति का ये पुराना भाग्य फिर लिखो? मैं तो एक गरीब नावारिस असहाय लड़की हूं, मान कहां जो अपमान हो जाए। अपमान तो तुम्हारा हुआ है, उन राक्षसों ने कपड़े तुम्हारे फाड़े हैं, इज्जत तुम्हारी लूटी है और तुम फिर भी चुप हो। मैं थक गई मां, मैं हार गई। आज अपने हाथ बढ़ा अपनी इस बेटी के आंसू पोंछ लो मां। मैं थक गई मां, मैं थक गई। मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था कन्या। मेरी? हाँ, मैं जानता हूं कि कौन थे वो लोग। उधर देख। यही थे ना वो लोग? तो यही कहना चाहती थी ना, किंतु पाप उन लोगों ने किया है, तू निष्पाप है, किसी और का पाप तुझे नहीं लग सकता, तू उतनी ही पवित्र है जितनी इस बलात्कार की दुर्घटना से पहले थी, और इसलिए मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। अब मुड़कर पीछे न देख, सामने देख उस ओर जहां वो राक्षस रहते हैं। उन राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए तू चुनी गई है। मैं? हाँ। लेकिन मैं उन दुष्टों का क्या बिगाड़ सकती हूं? मुझ में ऐसी क्या विशेषता है बाबा? तेरी विशेषता ये है, ओम। ओम की शक्ति से तू इन राक्षसों का सर्वनाश कर सकती है, और ये मत भूल कि तू एक शक्ति है। मैं तो बस एक असहाय पार्वती हूं। मैं तुझे असहाय नहीं रहने दूंगा, तुझे शक्ति की शिक्षा का दान दूंगा मैं, लेकिन उसके लिए तुझे गुरुदक्षिणा देनी पड़ेगी। लेकिन मेरे पास इस जीवन के सिवाय देने योग्य और है ही क्या? गुरुदक्षिणा में वही तो मुझे चाहिए। क्या तू काली माता के चरणों में अपनी इच्छा से स्वयं अपनी बलि चढ़ा पाएगी? चढ़ा दूं बाबा। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो मैं तुझे वो शक्ति दूंगा जिसकी सहायता से तू उन राक्षसों को नष्ट कर पाएगी। मैं वचन देती हूं कि अपना लक्ष्य पूरा हो जाने पर मैं स्वयं माता के चरणों में अपनी बलि देने आ जाऊंगी। तो फिर आओ, शक्ति की ओढ़नी ओढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। यही है वो ओम की शक्ति जो हमेशा तेरे साथ रहेगी। तू अब वहां जा जहां उन चारों की मृत्यु तेरी प्रतीक्षा कर रही है। आ
नन्ही कुड़िये आ गया तेरा बम्बा शहर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब। ओए शुक्रिया अदा करो सच्चे बादशाह दा, पर ये शहर बड़ा जालम है, यहाँ अकेली कुड़ी बच नहीं सकती। आप मेरी चिंता मत कीजिए सरदार साहब, इस शहर में तो मेरे चार मामा रहते हैं। मैं दुनिया भर के डॉन्स को बुलवाकर इन जेवरात की नीलामी करवाऊंगा, और फिर हमें फिक्र किस बात की है, हमारा स्मगलिंग का धंधा तो चल ही रहा है। अब हमें फौरन कानिया को कॉन्टेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा खास आदमी है, और एक हफ्ते के बाद वो हमारा स्मगलिंग का सामान लेकर आ रहा है। शायद तुम नहीं जानते मेरे पीछे कौन है। यही तो मैं जानना चाहता हूं, अगर प्यार मोहब्बत से बता दोगे तो सुबह शाम के ठोकम ठाक से बच जाओगे, वरना मैं धमकियों से नहीं डरता। हम धमकियां नहीं देते, बल्कि जो कहते हैं वो करते हैं। नमूने के तौर पे होश में आने के बाद मुझे खबर कर देना। मेरी समझ में ये नहीं आता कि एक अकेले सीआईडी ऑफिसर ने कानिया जैसे मजबूत आदमी को पकड़ कैसे लिया। कालिया तो 8-10 सीआईडी इंस्पेक्टर की चट्टी बना सकता है डबरिया साहब, मगर उसका पकड़ा जाना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, वो हमारे सब राज जानता है। यही तो परेशानी है नेताजी, पर ये नया 30 मार खान सीआईडी इंस्पेक्टर है कौन? है एक सीआईडी इंस्पेक्टर शिव कुमार, नया नया आया है, काफी धूम मचा रखी है साले ने। अपना दाम क्या लगाया है उसने? यही तो कठिनाई है बंदुवर, पता चला है कि वो आदमी बिकाऊ नहीं है। क्या बात करते हो नेताजी, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो बिकाऊ नहीं है? एक दो लोगों ने उसे घूस देने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो जेल में बंद। अच्छा, तब तो कोई और तरकीब सोचनी होगी, ये तो निकालना ही है ना, सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो टेढ़ी से निकाल लेंगे, इसमें देर कितनी लगती है। हेलो तेरे को तेरा भाई चाहिए कि नहीं? व्हाट? आपन तो आपन है बिड़ू, और आपन को तेरे भाई का जान घूस में देना है। लेगा? लेगा तो बोल बिड़ू। अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो? अरे गुस्सा काय को होने ला बिड़ू, भाई के साथ साथ मैं तेरे सारे खानदान को उठा कर ले आऊंगा, सिर्फ अपना नाम अता पता बता। गुरु कालिया को छोड़ देगा? गुरु देख बे, उसको तू तो क्या, तेरे फरिश्ते भी नहीं छुड़ा सकते। तो फिर उसके डेड बॉडी का बोन गिनना बिड़ू, म्यूजिक सुनेगा? भैया 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 मुझे बचाओ भैया। राजू तू फिक्र मत करो, भैया मुझे बचाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। राजू राजू डांस म्यूजिक गाना बिड़ू, और सुनेगा क्या? 3 दिन तक ये म्यूजिक हम तेरे को सुबह शाम सुनाएगा, और अगर तूने गुरु कालिया को नहीं छोड़ा तो तुम्हारा छोकरा का डेड बॉडी पार्सल कर देगा, पार्सल कर देगा, समझा क्या? बोल ये किसका फोन आया था, किसके अड्डे से बोल रहे थे ये लोग, जल्दी बता वरना। आपके घर से फोन आया है। क्यों डरता बे साले, तेरे को गर्दन काटने का अभी तक समझ में नहीं आया क्या? तेरे शरीर का टुकड़ा टुकड़ा करके ना तेरा भाई शिव कुमार को पार्सल कर देगा। क्या तुम मेरे भैया को नहीं जानते? ऐसा वो बहुत कड़क है।
बच्चा कहाँ चल गया? बच्चा कहाँ गया? अरे बॉस को मार डालेगा। अरे यार बॉस को क्या जवाब देंगे यार? अरे धर्मा तेरा बॉस को टेलीफोन कर। शाबाश, ठीक हो ना? वो लोग कौन थे? पता नहीं। अच्छा, तुम रहते कहाँ हो? नेहरू रोड चच की गली में। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। थैंक यू आंटी। हेलो बस गजब हो गया, न जाने कहाँ से बिजली कड़की, एक ब्लू लाइट आई और हम लोग सब बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद जब हमें होश आया तो हमने देखा कि वो लड़का वहां से गायब था। क्या बक्के हो उल्लू के पट्ठो, तुम्हें इसलिए पालकर नहीं रखा है कि तुमसे एक छोटा सा बच्चा ना संभाला जाए। ये ब्लू लाइट का बहाना कहीं और जाकर करना, मुझे किसी भी कीमत पर वो बच्चा चाहिए, समझे? वरना तुम सबके सब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दो। वकील साहब, उनकी आखिरी सांसें खत्म होने से पहले उन्हें अपनी अदालत में मौत की सजा देकर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। हाँ तो मंत्री जी, बात तो अब तक वही है, कहानी अब तक लॉकअप में बंद है, अब आप ही को कोई नई तरकीब सोचनी पड़ेगी। नहीं, क्यों? वही पुराना फॉर्मूला, गणपत गोड बोले किस काम आएगा, हम उसका उसी थाने में ट्रांसफर करवा देते हैं। वो कल थाने में इंचार्ज बनकर रिपोर्ट करेगा और हमारा कानी का मामला सॉल्व हो जाएगा। हेलो, हाँ राजू, कहां से बोल रहे हो तुम? अरे बाय गॉड भैया, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बस आप जल्दी से आ जाइए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ओफो, बात समझा कीजिए भैया, कुछ दिखलाना है आपको। दिखलाना चाहते हो, मगर क्या राजू, तुम घर पे हो? अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ, कभी कभी आती रहना बेटी, जरूर आऊंगी। जीती रहो। बेटा ये पार्वती है। भैया बाकी मैं बताता हूँ, मुझे उन गुंडों से बचाने वाली यही है। इन्होंने तुम्हें बचाया था? 100%, पर कैसे बचाया ये मैं नहीं जानता। छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहा है, बात सिर्फ इतनी थी कि ये बेहोश पड़ा था और मैं इसे होश में ले आई। बात इतनी साधारण नहीं पार्वती, दरअसल कुछ गुंडों ने मुझ पर दबाव डालने के लिए मेरे भाई को किडनैप किया था, इसलिए आपने इसे बचा के कानून पे और खासकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये क्या कह रहा है बेटा, मेरे राजू को गुंडों ने उठा लिया था? हाँ माँ। हे भगवान। अरे माँ जी, आप तो सब ठीक हो गया, हिम्मत रखो। अब चाहे तो कुछ भी कहे बेटी, इस अनजाने शहर में मैं तुझे कहीं भी नहीं जाने दूंगी, तू हमारे साथ रहेगी इसी घर में। बिल्कुल। मंत्री जी नमस्कार, कैसे याद किया? आप लोग तो अपना काम तमाम करके शहर लौट आए, मेरे बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। गुड बोले साहब। थैंक यू, मैं वर्दी में। पिता ने आप कौन सा काम आन पड़ा है? हमारा खास आदमी कानिया इंस्पेक्टर शिवा के लॉकअप में बंद है, हम चाहते हैं कि आप उस थाने के इंचार्ज बनकर जाएं, रिपोर्ट करें और किसी भी कीमत पर कानी को वहां से निकालें। आपके ट्रांसफर ऑर्डर पहुंच चुके हैं। आपका भरोसा मुझ पर कुछ ज्यादा ही है। एनीवे आई विल ट्राई माय बेस्ट। माँ जीते रहो। भूख नहीं है माँ, फिर भी खा लेता हूं, इसलिए कि लगता है ये टोस्ट पार्वती ने सेके है, नहीं? माँ जी ने सेके है। माँ जी ने सेके? ठीक है भाई, मगर ये ऑमलेट तो तुमने बनाया होंगे। जी नहीं, ये ऑमलेट माँ जी ने बनाया है
और वो भी खास आपके लिए। ये भी नहीं? और ये चाय भी माँ जी ने आपके लिए बनाई है। मैं तो चला स्कूल। अरे राजू, अपने खाने का डब्बा तो लेते जाओ। थैंक यू। राजू का खाना तो माँ ने बनाया होगा, नहीं? जी नहीं, राजू का खाना मैंने बनाया है। माँ, अगर कल से मैं भी अपना लंच बॉक्स साथ ले जाने लगूं, तो कैसा रहेगा? पुलिस को मुंह खुलवाना आता है पे। कह तो तेरा मुंह इतना खोल दूं कि जबड़े तक की हड्डियां चिरक जाए। ये क्या हो रहा है सीआईडी इंस्पेक्टर मिस्टर शिव कुमार? कुछ नहीं जनाब, थोड़ी पूछताछ हो रही है। मिस्टर शिव कुमार, आपने पुलिस के किस मैनुअल में पढ़ा है कि पूछताछ करने का यह तरीका है? आप एक आजाद देश के पुलिस ऑफिसर हैं, आपको मुजरिम से जो कुछ भी पूछना है देश के कानून के हिसाब से पूछिए। सर, कैरी ऑन। माफी चाहता हूं सर। भाई, भाई साहब के लिए कुछ ठंडा उंडा का इंतजाम कीजिए। माफी चाहता हूं सर, ऐसा है कि आप कुछ ठंडा पियेंगे या कुछ चाय कॉफी पीना पसंद करेंगे? तो अब मैं मुस्कुराऊं बेड़ू? अरे हुजूर, आप नहीं मुस्कुराएंगे तो और कौन मुस्कुराएगा? जमाना आपका है भैया, लेकिन मुस्कुराने के साथ साथ अगर थोड़ा कष्ट उठाते बड़े भाई, नाम बता देते अपने बॉस का श्रीमान जी, तो मजा आ जाता है। कौन है बॉस? डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट मिस्टर शिव कुमार, ये लक्ष्य ठेवा। आज पास उन्हें थाने चा इंचार्ज मी आहे आणि मी तुमच्या सारखा लई सीआयडी इंस्पेक्टर पाहिले, आला लक्षात? यस सर। इस थाने में उस तरह काम होगा जिस तरह मैं चाहूंगा, इज दैट क्लियर? यस सर। गुड डे। इनसे आपकी पुरानी रिश्तेदारी है भाई साहब। खामोखा इस गरीब पुडान पुरवा दिया आपने। शाबाश, वाह। गुड बोले साहब, वाह, मान गए। क्या फूल प्रूफ स्कीम बनाई है आपने, वाह। हुजूर, आपके स्कीम के सामने हमारी स्कीम क्या है? एनीवे, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं, वहां जाकर मुझे मिस्टर शिवा की डेथ फाइल बनानी है। क्यों बड़ बोले? मेरा मतलब मिस्टर घोड़ बोले, आपने मुझे बुलाया? मिस्टर शिवा, ये कालिया बहुत खतरनाक मुजरिम है जी। ऊपर से ऑर्डर आया है कि इसे पूना के येरोडा जेल में ट्रांसफर किया जाए। जब ऊपर से ऑर्डर आ ही गया है तो ट्रांसफर तो करना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि इतने खतरनाक मुजरिम को आप खुद अपनी निगरानी में छोड़ आए। के मुताबिक हुआ, अभी तक तो वो खत्म हो चुका होगा। क्यों गोड़ बोले साहब? तुम कौन? अभी तक खत्म हो गया होगा। मिस्टर शिवा, एक बहुत डिफिकल्ट केस था जो आज खत्म हुआ, उसकी फाइल में आज बंद करने जा रहा हूँ। गोड़ बोले साहब, ऐसा है कि अभी भी मैं भी एक बड़े ही इम्पोर्टेंट केस की फाइल को खत्म करके आ रहा। किसकी? अरे आप जानते होंगे उसे, बड़ा ही खतरनाक मुजरिम है आपका, क्या नाम है उसका? हाँ, गालिया।
अरे तुम अब तक सोई नहीं? आपका इंतजार कर रही थी। सच? माँ जी ने कहा था, वो बहुत थक गई थी, उन्होंने कहा था कि आपको खाना खिलवा दूं। वाह, माँ बेटे के विचार आपस में कितने मिलते जुलते हैं। मैं आज ही सोच रहा था कि माँ से मैंने बहुत सेवा करवा ली, अब अपने लिए एक अच्छी सी बहू ढूंढ के ले आऊं जो मेरी भी सेवा कर सके और माँ जी की भी। इस योग्य कोई लड़की मिल गई तो माँ जी से जरूर मिलवा दूंगी। अरे नहीं समझी। आपके लिए नाश्ता ले आऊं? नहीं, तुमने पूछ लिया समझो मेरा पेट भर गया। मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही? माँ जी के लिए कुछ दवाइयाँ लानी है। ऐसा है कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, चलो तुम्हें केमिस्ट की दुकान पर छोड़ देता हूँ। I'm
ये क्या कर रहे हैं आप? पार्वती, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, ना ही मैं आपकी जिंदगी में आई हूँ और ना ही आपके घर में हमेशा के लिए आई हूँ, बल्कि जब आपको और माँ जी को मेरी असलियत का पता चलेगा तो आप खुद ही चाहेंगे कि मैं आपका घर छोड़ दूं। और हकीकत तो तुम कभी बताओगी नहीं। जिस दिन मेरा मकसद पूरा हो जाएगा उस दिन सब कुछ अपने आप सामने आ जाएगा। ठीक है पार्वती, उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। लेकिन तुम्हारा शक गोडबोले पे क्यों है? मुजरिम के गिरफ्तार हो जाने के फौरन बाद गोडबोले का यहां तबादला हो जाना। मुजरिम जब इकरार जुर्म करने को तैयार हो गया, ठीक है, वक्त पे गोडबोले का यहां पहुंचकर मुझे मना करना और फिर मुझे ही मुजरिम को दूसरे जेल में ले जाने का ऑर्डर देना। रास्ते में हमला, हमले के बाद मेरे बजाय मुजरिम के मौत की खबर सुनकर गोडबोले का परेशान हो जाना, क्या इस बात का सबूत नहीं है सर कि पुलिस मुजरिम के पीछे नहीं बल्कि पुलिस मुजरिम के साथ है? तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन सुनने के बाद तो ये गुंगी तस्वीरें भी बोलने लगेंगी। इसके मुताबिक काली टेंपल मर्डर केस में इन चारों के अलावा गोडबोले भी शामिल है। ये कटिंग्स आपको किसने भेजी सर? किसी गुमनाम शख्स ने। उस गुमनाम का नाम तो मैं उसकी जन्म पत्री समेत ला दूंगा सर, लेकिन उससे पहले इन चारों के बारे में गोडबोले से जरा बात तो कर लो। क्यों जनाब, इन चारों के बारे में आपको जानते हैं? ये एक रात की बात थी। एक रात की बात नहीं गुड़बुल साहब, काली मंदिर के पुजारी के कत्ल की रात। राइट, ये वही रात थी जब ये चारों बॉम्बे जाते हुए गांव में रुके पान बीड़ी लेने के लिए। उस रात गांव में मेला भी था और इन चारों ने काफी पी रखी थी। जब हम लोगों ने इन्हें गांव से जाने के लिए कहा तो इन्होंने मना किया। हमने मजबूरन इन चारों को रात भर लॉकअप में रखा और सवेरे छोड़ दिया। मगर तुम इन चार लोगों के बारे में क्यों पूछताछ कर रहे हो? ये तो शरीफ लोग हैं। लॉकअप में रात गुजारने वालों को आप शरीफ कहते हैं गोडबोले साहब? ये तो मुझे बाद में पता चला कि उनमें से एक नेता है, दूसरा डॉक्टर है और तीसरा भी कोई बड़ी सही जगह पे होगा। सही जगह पे तो आपकी दुआ से इन्हें जल्दी ही ले जाऊंगा गोडबोले साहब। अगर वो शिव कुमार अपनी पार्वती और पुजारी का केस रीओपन करने में कामयाब हो गया तो समझ लो हम सब गए के भाव में। मिस्टर गोडबोले, तुम ही कुछ करो, अपने उस मूज और घोड़े शिव कुमार पर काठी रखो, रोको उसे किसी भी तरह रोको। मैं कैसे रोकूं? ये काम तो नेताजी का है। ठीक है, मैं ही रुकता हूं उसे। तुम शिव कुमार से कहो वो पुलिस कमिश्नर से केस खोलने की इजाजत ले, कमिश्नर को मैं देख लूंगा। गुड मॉर्निंग सर। आओ शिव कुमार, आओ बैठो। नो सर, थैंक यू सर, मेरी गुजारिश थी। शिवा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, कानून के लिए तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी की वजह से हमको और पुलिस के सारे डिपार्टमेंट को तुम पे फक्र है। थैंक यू सर। इसीलिए मैं तुम्हें टॉप प्रायोरिटी में काली टेंपल का केस दे रहा हूं। तुम्हें काली मंदिर के पुजारी के कत्ल और मंदिर में डाके की जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।
अगर तुम चाहो तो अपने लिए वकील की मांग कर सकती हो। कानून तुम्हें हक देता है। मुझे वकील की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकती। हे भगवान, ये क्या कर रहा है तू? माँ, पार्वती के ऊपर एक कत्ल और एक डाके का इल्जाम है, मैं इसे गिरफ्तार कर रहा हूँ। पागल हो गया है क्या? मेरी देवी जैसी पार्वती डाका डालेगी, हत्या करेगी, किसकी? ये मैं नहीं जानता माँ। इस सवाल का जवाब तो सिर्फ इस देश का कानून दे सकता है जिसने मुझे पार्वती की गिरफ्तारी का वारंट दिया है। कानून को वारंट काटने में क्या जाता है? वारंट न हुआ, पतंग हो गया, पेच डाला और काट दिया। इसमें इनका क्या दोष है माँ जी? इनकी आंखों पर तो कानून की पट्टी है और सिवाय सबूत के इनको कुछ नजर नहीं आता। ऐसे बेटे की माँ होना तो बहुत गर्व की बात है माँ जी, वरना आज के समाज में न्याय तो अछूत होकर रह गया है। कोई इसे अपने हाथों से नहीं छूता, कानून के दस्ताने पहनकर छूता है। चलिए सीआईडी इंस्पेक्टर साहब, आप अपने कर्तव्य का पालन करके ये कहानी खत्म कर दीजिए। पार्वती देवी, आप पर कस्बा मोरावा के काली मंदिर से दशहरे की रात मूर्ति के जेवरात चुराने और मंदिर के पुजारी की हत्या करने का आरोप है, क्या आप ये आरोप स्वीकार करती हैं? जज साहब, अगर जो मैं ये आरोप न स्वीकार करूं तो क्या ये अदालत और आप मेरी बात मान लेंगे? इस ऑनरेबल कोर्ट से ये सवाल करके मुलजिमा ने अदालत की बहुत बड़ी तौहीन की है यू ऑनर। अदालत इतना कानून जानती है मिस्टर दारूवाला? ये जगह इंसाफ का घर है पार्वती देवी, अगर आप अपनी बेगुनाही साबित कर पाई तो ये अदालत आपको बाइज्जत बरी करेगी। इज्जत तो मेरे लिए सिर्फ एक लाश है जज साहब, एक शव जिसे मैं अपनी आत्मा के कांधे पर उठाए उठाए शमशान ढूंढती फिर रही हूं, लेकिन कोई मुझे उस शमशान का रास्ता नहीं बताता। क्या इस अदालत से उस शमशान तक कोई रास्ता निकलता है जज साहब? आप कहते हैं कि आप मुझे बाइज्जत रिहा कर देंगे। इज्जत कोई सम्मान का शाल या कोई ताम्र पत्र नहीं है जज साहब, जो आप मुझे दे देंगे। इज्जत तो औरत की ओढ़नी होती है, जो एक बार गिर जाती है तो गिर जाती है। लेकिन फिर भी न्याय और अन्याय का ये नाटक चलने दीजिए, मैं भी यहां तमाशाइयों की तरह बैठकर चुपचाप देखती रहूंगी जज साहब। तुमने अब भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या तुमने मंदिर से जेवरात चुराने के लिए मंदिर के पुजारी की हत्या की? अगर मैं कहूं कि मैंने ये जुर्म नहीं किया है तो आप कहेंगे कि अपनी बेगुनाही का सबूत दो, और मेरे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है जज साहब। हाँ, एक गवाह है जिसे मैं इस अदालत में नहीं ला सकती। कौन है वो गवाह? अदालत उसे जरूर बुलाएगी। मेरी गवाह काली माँ की वो मूर्ति है जज साहब, और मेरी गवाह स्वयं काली माँ ही है। I'm deeply sorry, Your Honor. मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। मुलजिमा बिना वजह अदालत का वक्त जाया कर रही है। आपका वकील कौन है पार्वती देवी? मेरा कोई वकील नहीं है जज साहब। तो ये अदालत तुम्हें वकील देगी? Your Honor, अखिल भारतीय नारी सम्मान सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष श्री संपूर्णानंद जी ने। अपराधिनी पार्वती देवी की वकालत के लिए मुझे नियुक्त किया है। क्या वो यहाँ अदालत में मौजूद हैं? मैं हाजिर हूँ जज साहब। जज महोदय, हमने तो ये संस्था ही लावारिस नारियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए बनाई, क्योंकि जो समाज अपनी असहाय नारियों की सम्मान की सुरक्षा नहीं कर सकता वो समाज तो जीवित नहीं रह सकता। आप जा सकते हैं। शुक्रिया। प्रोसीड मिस्टर दारूवाला। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन गवाहों की मदद से यह साबित करने की कोशिश करेगा कि इस भोली भाली सूरत वाली लड़की ने काली मंदिर से
काली माँ के गहने चुराने की नियत से मंदिर के पुजारी की हत्या की और ये साबित करने के बाद प्रोसिक्यूशन मुलजिमा के लिए सजाए मौत की मांग करेगा, क्योंकि इस संगीन जुर्म के लिए इससे और कोई कम सजा नहीं हो सकती। सरकार के गवाह है इंस्पेक्टर गणपत गोड़ बोले। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। पुजारी मर्डर केस की छानबीन आप कर रहे हैं? जी हाँ, मर्डर ची खबर भेटल्यावर मी मंदिर गेलोस, लाशला ताब्यात घेतलोस आणि पंचनामा केलो। क्या आपने मुलजिमा से पूछताछ की? ये छोकरी ने उसका मौका ही नहीं दिया साहेब। इससे पहले कि मैं इस छोकरी से पूछताछ करता ते तुकड़ून पड़ून के लिए साहेब, तब से हमारी पुलिस इस छोकरी को उस खून के इल्जाम में ढूंढ रही है साहेब। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चन प्लीज। योर ऑनर, सरकार के दूसरे गवाह है सर्वश्री घनश्याम दास डाबरिया। और एंटिक्स के रसिया, जिनके पास मुलजिमा काली माँ के गले का वो एंटिक हार बेचने गई थी। क्या आप मुलजिमा को जानते हैं? नाम से नहीं जानता, लेकिन शक्ल से जानता हूं। एक बार ये बहुत ही कीमती एंटिक हार बेचने मेरे पास आई थी। तो क्या आपने वो हार खरीदा? खरीदने को तो बहुत दिल चाहा वकील साहब, लेकिन मैंने खरीदा नहीं, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार शहरी हूं, कोई भी गैरकानूनी काम नहीं करता। जब इस फटीचर हार लड़की के पास मैंने इतना कीमती हार देखा तो मुझे यह शक हुआ कि वो हार चोरी का भी हो सकता है। जब मैंने इससे यह कहा कि उस हार की जांच किसी एक्सपर्ट एंटीक डीलर से करानी होगी और पुलिस से भी यह पूछना होगा कि वो हार चोरी का तो नहीं है, बस पुलिस का नाम सुनकर यह एक जरूरी काम का बहाना करके वहां से चली गई और उसके बाद आज मैं इसे यहां देख रहा हूं। ये झूठ बोल रहे हैं। जरा करने के लिए तुम्हारा वकील यहां मौजूद है मुलजमा? वो तो नारी सम्मान सुरक्षा परिषद के वकील है जज साहब। मे आई प्रोसीड योर ऑनर? तो क्या उस वक्त आप अकेले थे? जी नहीं, बल्कि उस वक्त मेरे फैमिली डॉक्टर डॉक्टर अजय गंडोत्रा भी वहां मौजूद थे, जो उस वक्त मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर रहे थे। जी अजय साहब, जब ये लड़की काली मां का हार घनश्याम दास के पास बेचने के लिए आई तब मैं वहीं मौजूद था। आपने कैसे जान लिया कि वही काली मां का हार था? वकील साहब, बाद में जब उस हार की फोटो अखबार में छपी तब मुझे याद आया कि ये तो वही हार है जिससे वो लड़की घनश्याम दास डाबरिया के पास बेचने के लिए आई थी। थैंक यू डॉक्टर साहब, यू मे गो। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चन। आप जा सकते हैं। पार्वती देवी, सरकारी गवाहों के बयानात सुनने के बाद अब क्या आप मेरे पहले सवाल का जवाब देंगी? सरकार ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है जज साहब, लेकिन न्याय इतिहास में यह अन्याय पहली बार नहीं हो रहा है। अदालतों ने बेगुनाहों को झूठे सबूतों के आधार पर पहले भी फांसी की सजा दी है। न्याय तो बड़ा बेबस होता है। न्याय के हाथों पे कानून की हथकड़ी और आंखों पर झूठी गवाहियों की पट्टी बंधी रहती है। आप मुझे फांसी की सजा दे दीजिए, क्योंकि आज कई इज्जतदार लोगों ने गीता पर हाथ रखकर झूठ बोला है, लेकिन मैं बेगुनाह हूं। मैंने काली मां के गहने नहीं चुराए हैं और ना ही मैंने पुजारी जी की हत्या की है। असली मुजरिम तो ये इज्जतदार सरकारी गवाह और ये इज्जतदार सरकारी वकील हैं, लेकिन मैं इनके गुनाह कैसे साबित करूं, क्योंकि इनके जुर्मों की असली गवाह मैं ही हूं और आज मेरे लिए सजाए मौत की मांग की जा रही है। लेकिन मेरे फांसी पर चढ़ जाने के बाद भी जज साहब, ये मुजरिम यही रहेंगे और ये जुर्म होता रहेगा। अब आपका जैसा जी चाहे, आप न्याय कीजिए या आप अन्याय कीजिए। अदालत कल तक के लिए बर्खास्त की जाती है। पार्वती, Thank you.
भी सच बता दो पार्वती, तुम्हारा इनके साथ क्या ताल्लुक है? मेरा इनसे भला क्या ताल्लुक हो सकता है? आपने जज साहब को ये कहते हुए नहीं सुना था कि ये चारों तो बहुत इज्जतदार और शरीफ लोग हैं? आपका कानून तो इन्हें छू भी नहीं सकता। देखो पार्वती, कानून बगैर सबूत के किसी को छू नहीं सकता, मगर मेरा दिल तुम्हारा ये जुर्म कबूल नहीं करता पार्वती। कानून के सीने में दिल कब से होने लगा और आप अपना दिल क्यों दुखा रहे हैं? आपने तो अपना फर्ज अदा किया है। कानून ने कहा पार्वती को पकड़ लो और आप पार्वती को पकड़ लो। देखो पार्वती, अदालत आज फैसला सुनाने वाली है, उसके बाद बात मेरे हाथ से निकल जाएगी। बात तो कभी आपके हाथों में थी ही नहीं, बात तो भगवान के हाथों में है, वो भी तो अपना फैसला सुनाएगा। सरकारी वकीलों ने गवाहों के बयानों के जरिए ये बात पूरी तरह साबित कर दी है कि दशहरे की रात अपराधिनी पार्वती ने मूर्ति के जेवरात चुराने की गर्ज से मंदिर के पुजारी की हत्या की, इसलिए ये अदालत पार्वती को अपराधिनी ठहराते हुए जेरे दफा 302 मौत की सजा देती है। तो हैंग टिल डेथ। सदाए मौत के नाम आज का ये अखबार पढ़ा आप लोगों ने? आप सबके लिए बहुत शुभ समाचार है, वो पार्वती फांसी घर से भाग गई। क्या? मगर ये तो अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है डॉक्टर गंडोत्रा। वो साली फांसी घर से खड़े खड़े भाग गई, वही ब्लू लाइट।
माँ, मैं भीष्म नहीं, पर मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं बहुत जल्द तेरे जेवर वापस ले आऊंगी। कानून मुझे पहले ही सजाए मौत दे चुका है, अब इसके पास मुझे देने के लिए और है ही क्या? जो सजा अधूरी रह गई उसे पूरी तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, तुम्हें वो सजा पूरी करने के लिए न्याय की सहायता तो करनी ही पड़ेगी। तुम सचमुच बड़े कमाल के ऑफिसर हो। कलयुग में सतयुग का चिन्ह, लेकिन तुम यहां तक आए कैसे? मुजरिम हमेशा लौट कर एक बार वहां जरूर जाता है जहां उसने जुर्म किया, इसीलिए मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा था। अब चलो। तुम जीत गए, मैं हार गई। सिर्फ चलने से पहले मेरी इतनी इच्छा पूरी कर दो, मैं देवी की परिक्रमा करना चाहती हूं। जाओ।
तुझको ना छोड़ूंगी, मैंने ये कसम खाई है। हाँ, पर्दी पर्दी में वो छाया मचाई है, बिजली सी लहराई है, दिल से दिल जोड़ूंगी, तुझको ना छोड़ूंगी, मैंने ये कसम खाई है। घर से गायब हो गई थी। कुछ खाने पीने कर लेकर आओ। जाओ। यस सर। बहुत अच्छा नाचती हो तुम, बिजली की तरह। कम ऑन, हैव अ ड्रिंक विद मी। इंशाअल्लाह करोगे इंशा।
बिजली की तरह झटके मारती हो। तुम पानी को पी रही हो, हम तुम्हारी प्यास बुझाएंगे। इधर आओ, हम तुम्हें शैंपेन पिलाएंगे। आज की रात याद करोगे। कौन हो तुम? मैं पार्वती हूँ। पार्वती, याद करो वो तूफानी रात, वो काली माँ का मंदिर। काली माँ का मंदिर? लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? जैसे मैं फांसी घर से गायब हुई थी। फांसी घर? अभी बताता हूँ। ऑपरेटर, कोई फायदा नहीं है? टेलीफोन की तार कट चुकी है। क्या? मैं यहाँ हूँ। कौन हो तुम? कहाँ हो? मुझसे गलती हो गई थी पार्वती, मुझे माफ कर दो पार्वती, मुझसे गलती हो गई थी, मुझसे गलती हो गई थी पार्वती, पार्वती मुझे माफ कर दो, एक बार मुझे माफ कर। उस रात को मैं भी तुम्हारे सामने बहुत गिड़गिड़ाई थी, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। कन्या, ये तेरी पहली ध्येय पूर्ति थी। इस तरफ है सर। मुझे दिया हुआ अपना वचन मत भूल। आखिर वो लड़की कहां गायब हो गई? आसमान खा गया या जमीन निकल गई? जहां तक मेरा ख्याल है सर। नो सर बिजनेस। मैंने बड़ी उम्मीदों से एक केस तुम्हें सुपुर्द किया था, मुझे वो लड़की चाहिए पार्वती। सर मैंने अपनी तरफ से शहर का चप्पा चप्पा छान मारा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा वो लड़की आखिर कहां छुप गई। तुम्हारे तो बस यही कहने से कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो लड़की कहां छुप गई। तुम चाहते हो कि यही जवाब मैं ऊपर वालों को दूं कि काली माँ के जेवरात भाप बनकर ऊपर उड़ गए? मुझे वो गहने और एंटीक हार किसी कीमत में चाहिए। मैनेजर साहब, इस कैबरे डांसर से आपको किसने इंट्रोड्यूस करवाया और आपसे कहां मिली थी? सर ये खुद ही आई थी,
और बोली डांस पसंद आ जाए तो काम पर रख लेना। अच्छा, अगर यही लड़की आपको दोबारा मिल जाए तो आप इसे पहचान लेंगे? नहीं साहब, मैं तो उसे देखकर अपनी आंखें बंद कर लूंगा, वो जितनी खूबसूरत है तो उतनी खतरनाक भी है। आप पहचानते हैं इसे? जी नहीं। तो लोग ठीक ही कहते हैं कि नेता लोग की याददाश्त बहुत ही कमजोर होती है। जी जी क्या, इलेक्शन के पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, हमें ये देखना है, हम ये देख रहे हैं, हमें ये करना है, हम ये कर रहे हैं, और एक बार चुनाव खत्म तो वादे सिर्फ वादे ही रह जाते हैं। गौर से देखिए इस तस्वीर को। इस लड़की के लिए आपने वकील किया था जिसने पूरे मुकदमे में सिवाय नो क्वेश्चन के अलावा और कुछ नहीं बोला। ये लड़की आपके पास हार बेचने गई थी और आपने इसी लड़की को फांसी की सजा दिलवाई थी। इंस्पेक्टर साहब, हमें तो पुलिस प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी। वाह, क्या जमाना आ गया नेताजी, देश की रक्षा करने वाले खुद ही पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। आप लोग खाक देश की बागडोर संभालेंगे? इंस्पेक्टर साहब, हम जिंदा रहेंगे तो दूसरों को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे ना। इस वक्त हमारी ड्यूटी है असली मुजरिम को पकड़ना। अगर आप लोग मेरा साथ दें तो हमारा काम और आपकी जिंदगी दोनों आसान हो जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, उसके लिए तो हम तन मन। धन की बात मत कीजिए सेठ जी, वरना लोग आप लोगों के साथ साथ मुझे भी मुजरिम समझने लगेंगे। आप लोग जा सकते हैं। घनश्याम भाई, इस बार तकदीर अच्छी थी, पासे ठीक पड़े, शिव कुमार की बाजी मात हो गई, मगर वो चुप बैठने वालों में से नहीं। त्याचा का परमानेंट इलाज करायला पाहिजे। इसका तो परमानेंट से भी ज्यादा परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। हेलो, मैं घनश्याम दास डाबरिया बोल रहा हूँ। क्या बात है, तू आया नहीं अभी तक? क्या बताऊं, इन दिनों कार्यभार कुछ ज्यादा ही है। ए भाई, अब ये नेताओं वाली भाषा मत बोल। मैं चुनाव सिर पर है, सोच रहा हूँ कि प्रैक्टिस में रहूं। हाँ भाई, चुनाव लड़ना भी बहुत जरूरी है, लेकिन अपना असली धंधा मत भूल। उसे कैसे भूल सकता हूँ, उसी सिलसिले में तो शीघ्र ही स्विट्जरलैंड जाने की सोच रहा हूँ। अरे भाई, तू मत सोच, सोचने का काम घनश्याम दास का है। तेरा हिस्सा धीरू भाई के जरिए तुझे स्विट्जरलैंड में मिल जाएगा। अच्छा ये तो बता, तू लौटेगा कब तक? पता नहीं, मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि वहीं रुक जाऊं, इन दिनों तो लफड़े बहुत होने लगे यहाँ। अजय गंडोत्रा का हाल तो तुमने देख ही लिया है। भाई मेरी एक बात मानो, तुम भी कल सुबह पहली फ्लाइट का टिकट कटाओ और यहाँ से निकल लो। तुझे भागना है तो तू भाग ले, मैं तो इसी देश में रहूंगा, बट इन दैट केस तेरा हिस्सा भी गया कयामत खाते में। क्या कहा? वैसे भी इस देश में क्या रखा है मारिया, एक बार मुझे यहाँ से जाने दो फिर तुम्हें माला माल कर दूंगा। नो सर, वैसे भी आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। और हाँ सर, आपको मालूम है आज आपकी पब्लिक मीटिंग है अम्बोली में। ओ हाँ, अच्छा वो तुमने याद दिला दिया। एक काम करो, इंस्पेक्टर शिवा को फोन करके कहो कि आज शाम हमारी अम्बोली में पब्लिक मीटिंग है, पुलिस बंदोबस्त अच्छा होना चाहिए। ओके ओके सर। या शिवा हियर। गुड आफ्टरनून इंस्पेक्टर शिवा। पार्वती, तुम? मैं संपूर्ण आनंद जी की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। आज उनकी अम्बोली में आखिरी मीटिंग है और पुलिस का बंदोबस्त अच्छा होना चाहिए, शायद उनकी जान को खतरा है। तुम मारिया कहाँ गई? मौत वक्त और जगह देखकर नहीं आती नेताजी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, दूर हो मुझसे, दूर हो मुझसे, दूर हो मुझसे, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, दूर हो मुझसे। मुझसे ही क्या, अब तो तुम इस दुनिया से ही दूर जाने वाले हो। दूर हो मुझसे, दूर हो। इंस्पेक्टर शिवा, नेताजी बोल रहा हूं। क्या तुम?
ऐसा नहीं कर सकती। इस देश के महान व्यक्ति के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकती। देखो मुझे इस देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने, नाम कमाना है, पैसा कमाना है। देखो वैसे भी इंस्पेक्टर शिवा मुझे बचाने के लिए आ रहा है। तुम क्या समझते हो इंस्पेक्टर शिवा तुम्हें बचा लेगा? नहीं नेताजी नहीं, अगर पुलिस नेताओं को बचा सकती तो सब लोग अपना काम धंधा छोड़कर नेता बन जाते और फिर इस जहान में कोई मौत ही ना होती। लेकिन किसी इंसान के हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि वो मौत के हाथों में हथकड़ियां पहना दे। नहीं, मैं नहीं मरूंगा। पी लो नेताजी, उस रात को भी तो तुमने शराब पी थी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। I'll kill you. No. मुझे मत मारो। मेरे पास पाप किए, मुझे माफ कर दो। नहीं, 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 मुझे मत मारो। उस रात को मैंने भी तुमसे बहुत मिन्नतें मांगी थी लेकिन तुमने मुझे नहीं माफ किया था। मुझे दिया हुआ अपना वचन न भूल। मेरी आंखों के सामने न जाने उसके हाथों में कहां से एक त्रिशूल आ गया। इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता सर, उसने वो त्रिशूल नेता की तरफ फेंक दिया और उसे मार डाला। मैंने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की सर, जैसे वो पलट कर जाने लगी, लेकिन अचानक वो एक नीली रोशनी के गुबार में गुम हो गई। तुम्हारा मतलब तुम्हारी आंखों के सामने से वो गायब हो गई सर? और वो त्रिशूल? वो भी वहां नहीं था सर। ओ, ये हकीकत है सर। ऐसी कहानियां जिन किताबों में लिखी जाती हैं बरखुरदार, उन्हें फिक्शन कहते हैं, जिनमें फैक्ट्स या हकीकत बिल्कुल नहीं होते। तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे इस वहम को हम हकीकत मान ले? अगर ये मेरा वहम होता सर तो उस नेता की लाश भी वहां नहीं मिलती। संपूर्ण आनंद का कत्ल हुआ है ये हकीकत है, लेकिन वो नीली रोशनी का गुब्बार ये तुम्हारा वहम है। जबकि उस लड़की को तुम अरेस्ट कर भी चुके हो, ना जाने तुम क्यों समझने लग पड़े हो कि उसके अंदर एक अजीब दिव्य शक्ति आ गई है जिसके जरिए वो कहीं भी कभी भी आ जा सकती है या कहीं से गायब हो सकती है। ये पहली बार नहीं हुआ सर, फांसी घर से भी तो गायब हो गई थी। लेकिन नीली रोशनी के गुब्बार में नहीं, बल्कि दीवार तोड़कर बनाए गए सुराख में से। लगता है इसके पीछे किसी बड़ी ताकत का हाथ है। किसी बड़ी ताकत का नहीं सर, सबसे बड़ी ताकत। हेल, तुम पागल हो गए हो। जानते हो अगर तुम्हारा यह बयान प्रेस वालों तक पहुंच गया तो क्या होगा? लोग हमें पढ़े लिखे 21वीं सदी की तरफ कदम बढ़ाते हुए जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि सर्कस में हर कदम गलत उठाते हुए चोकर समझेंगे। मैंने ये सब अपनी आंखों। लिसन यंग मैन, मेरी सलाह मानो, अपनी इन आंखों का इलाज किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट से करवाओ। और हां, तुम्हारा अपने ख्वाब के बारे में किसी से मत कहना। आप सब उस लड़की और उसके साथियों की तलाश में जाइए, और अगर फरार होने की कोशिश करे, यू हैव माई परमिशन, शूट हर। आप सब जा सकते हैं। तुम बैठो शिवा। सर मैंने गुड़बोले की जो फाइल आपको दी थी। हाँ, मैंने उस फाइल को स्टडी कर लिया। मैंने उसे आज इंटरोगेशन के लिए बुलाया भी है। लगता है मुझे उसे सस्पेंड करना पड़ेगा। हेलो गुड़बोले,
मैं साहू बोल रहा हूँ। हाँ बोल। मामला बहुत सीरियस है। कमिश्नर साहब आज तुम्हें इंट्रोगेशन के लिए बुलाने वाले हैं। इंट्रोगेशन? हाँ, काली टेंपल मर्डर केस के बारे में। इंस्पेक्टर शिवा ने तुम्हारे बारे में कमिश्नर साहब को एक फाइल दी है। फाइल दी है? हाँ। अरे यार, मैं तो ये कहता हूं कि उस डरपोक धुतियल नेता का मर जाना ही अच्छा हुआ। साला हमें छोड़कर भाग रहा था। और दूसरा फायदा यह हुआ कि मंदिर के लूट के माल का एक और हिस्सेदार कम हो गया। हाँ, अब तो हम दो ही रह गए। ये अंकल बहुत ही अच्छा निकाला तुमने। वो इंटरनेशनल माल की नीलामी कब करवा रहे हो? इंटरनेशनल डॉन्स के आते ही। मतलब ये कि हम लोग स्वर्गीय नेताजी की टाइमली डेथ का जश्न मना सकते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। वेलकम जेंटलमैन, वेलकम। वेलकम द सुप्रीमो। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम। मिस्टर दारूवाला। जेंटलमैन, द ऑक्शन ऑफ द ऑर्नामेंट इज प्रोसीडिंग। लेट अस सी हु विल स्टार्ट द बीडिंग ऑफ द रॉयल एंटिक नेकलेस। फॉर दिस एंटिक नेकलेस $50,000. For this antique necklace, only $50,000. For this antique necklace, I give $20 million. 30 crore. Now it is something. Let's see who wins this necklace. Come on, gentlemen. 25 million pounds. Anybody to match it? 25 million pounds? Well, it's not a bad big name. Like the Taj Mahal, there is no other piece like this necklace in the world. 50 million dinar. 50 million dinar. Any other bidder, gentlemen? Mr. Wasim Hashmi, you are the man of good taste. It's a pleasure to have you with us on this great event. Acha. Gentlemen, I'll be joining you very soon. Enjoy yourself. साहब जी, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया हूँ। वहां कमिश्नर और शिवा मेरी जान के पीछे पड़े हुए मुझे डिसमिस करना चाहते और अभी तक मुझे गहनों का हिस्सा नहीं मिला। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे गहनों का हिस्सा दीजिए। मैं इस कंट्री से चला जाना चाहता हूँ, मैं इस देश से जाना चाहता हूँ। प्लीज मुझे बताइए इसका इलाज क्या है, मैं बहुत परेशान हूँ। गोड बोले साहब, हर बीमारी का इलाज है। अगर बीमारी पकड़ में आ जाए तो इस वक्त आप नर्वस हैं, उसका इलाज भी हमारे पास है और वो है विस्की, यानी के काली शराब। प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। On this great occasion. Cheers! 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 Cheers!
ये सब क्या है? ये जहरीली गैस कैसी? तुम हम सबको मार डालना चाहते हो? कैसे आई रसिक? देवी माँ के वो कहने और वो ऐतिहासिक हार मुझे वापस लौटा दो। शूटर, शूटर, ध्येय पूर्ति थी। मुझे दिया हुआ अपना वचन मत भूल। बरिया, फरार होने की कोशिश मत करो, तुम्हारे सारे साथी मारे जा चुके हैं और तुम्हारी जान का भी खतरा है। शराफत इसी में है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। हमें खतरों से खेलने का शौक है इंस्पेक्टर। की बेजान देवी का नहीं बल्कि इस जीते जागते देवता का है। अगर है हिम्मत तो ले लो। मेरी हिम्मत तो तुम देख चुकी हो, वो भी एक ऐसी ही तूफानी रात थी। मगर उस रात और इस रात में फर्क है। उस रात तुम कुंवारी थी और आज की रात तुम कुंवारी नहीं। तुम्हारा कुंवारापन तो हम अपने साथ ले गए थे। उस रात तुम मंदिर के अंदर एक हिरनी की तरह शिकारियों से भागती नाच रही थी। मगर आज का ये नाच भागने का नहीं बल्कि तुम्हारी मौत का नाच होगा जो तुम नाचोगी। मेरे तीनों साथी तो मर चुके हैं, आज तुम भी मर जाओगी और तुम्हारे साथ ये राज भी मर जाएगा कि इस करोड़ों के ऐतिहासिक हार का मालिक सिर्फ मैं हूं। लाओ ये हार मुझे दे दो। लाओ। ओम
पीछे क्यों हट रहे हो? अगर है हिम्मत तो छीनो मुझसे ही हार। ये तेरी आखिरी ध्येय पूर्ति थी। अब मुझे दिया हुआ अपना वचन पूरा कर। चलिया चलिया चलिया
मेरी बलि स्वीकार करो माता, मेरी बलि स्वीकार करो। अब तो तुम्हें प्रकट होना पड़ेगा माता, तुम्हें प्रकट होना पड़ेगा माता, माता तुम्हें प्रकट होना पड़ेगा माता, अब तुम्हें प्रकट होना ही पड़ेगा। मेरे पास ठहरने का समय नहीं है माता। तूने ठीक कहा पाखंडी, तेरे पास ठहरने का समय नहीं है, क्योंकि तेरे जाने का समय अब आ गया है। तू ये समझता था ओम की बलि चढ़ाएगा तो मैं विवश हो जाऊंगी, तेरी अधीन हो जाऊंगी। तुम्हें तो इतना ज्ञान भी नहीं कि ओम ईश्वर है और ईश्वर की बलि नहीं दी जा सकती। पाखंडी, मुझे मां कहता है, तू तो इतना भी नहीं जानता कि मां बलि लेती नहीं, बलिदान देती है। तूने इस कन्या को बलि देने पर उकसाकर मेरा घोर अपमान किया है। तूने अपने निहित स्वार्थ के लिए दिव्य शक्तियों को अपनी दासी बनाना चाहा। दिव्य शक्तियां संसार के कल्याण के लिए होती है, उसके सर्वनाश के लिए नहीं। तेरे पास गिनती की सांसें रह गई हैं, जी ले, फिर ना तू होगा और ना तेरी महत्वाकांक्षा। तू अपने भक्त की हत्या नहीं कर सकती माता, नहीं कर सकती। तू मेरा भक्त नहीं है, तू अपनी महत्वाकांक्षा का दास है। तू लोभी है, तू पापी है, और मृत्यु दंड के अतिरिक्त मैं तुम्हें कोई और दंड दे ही नहीं सकती। मैं तो स्वयं ही अपनी बलि दे रही थी, क्योंकि मैं तो एक झूठा बर्तन हूं। झूठा होने में बर्तन का क्या दोष? तेरे घर में कुछ डाकू घुस आए थे, तू उनसे लड़ी, तूने लड़कर अपने कर्तव्य का पालन किया। कर्म फल तो तेरे हाथ में नहीं है, तू गंगा जल की भांति पवित्र है। किंतु दुनिया तो मुझे अपवित्र ही मानेगी माता। अगर मैं कहूं कि तू पवित्र है और दुनिया कहे कि तू पवित्र नहीं है, तो तू किसकी बात मानेगी, मेरी या दुनिया की?
सौभाग्यवती भवा।